जो वैक्टर हमें गिवेन है ये कोपलिनर है ये हमें शो करना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट वैक्टर ए ए तो ये वाला जो है वो मेरा वैक्टर ए है वो क्या है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप ठीक है पोजिशन वैक्टर ऑफ ए मान लेता हूँ कैपिटल ले ए लिख लो इसको ठीक है तो कैपिटल ए का पोजिशन फैक्टर हमें ये दिया हुआ है ठीक है और कैपिटल बी का पोजिशन फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है कैपिटल बी का पोजिशन वेक्टर हमें दिया हुआ है सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप में मान लिया ठीक है और पोजिशन ऑफ सी हमें क्या दिया हुआ है फाइव आई कैप प्लस सेवन टाइम्स जे कैप प्लस थ्री के कैप पोजिशन वैक्टर ऑफ डी हमें क्या दिया हुआ है टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप ठीक है तो हमने ये जो चार हमें जो वैक्टर दिए हुए थे उसको एज्यूम कर लिया कि ये वैक्टर ए है फर्स्ट वाला वैक्टर बी सेकेंड वाला है थर्ड वाला C है, फोर्थ वाला D है है ठीक अब हमें इसको कोप प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं निकाल लेता क्या क्या होगा A, क्या होगा यानी ठीक तो है तो ए और बी दो पॉइंट हैं उनसे मिलने वाला एक लाइन ए बी होगा हमारा तो ए बी का पोजिशन वैक्टर अपन निकाल लेते हैं वो क्या होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बे ए यही होगा ठीक है तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी हमारा क्या वैक्� दिया हुआ है देखो सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप माइनस पोजिशन फैक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप ओके इन दोनों को निकालो तो देखो सिक्स माइनस थ्री डैट इज थ्री तो थ्री आई कैप थ्री माइनस और माइनस प्लस डेट इज टू ठीक है तो थ्री प्लस टू डेट इज फाइव हो जाएगा तो फाइव टाइम्स जे कैप ये टू और माइनस फोर डैट इज माइनस टू के कैप ओके ये हमारा हो गया पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए इज दैक्टर ए बी निकला हमारा ओके okay? अब चलो वैक्टर सी निकालते हैं तो वैक्टर बी सी अगर मैं निकाल तो ये क्या हो जाएगा पोजिशन ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी ठीक है तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी और वो हमें क्या गिवन है देखो पोजिशन वैक्टर ऑफ सी हमें क्या गिवन है फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप लिखो फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस थ्री कैप माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी जो कि हमें है सिक्स आई कैप ठीक है है इन दोनों को माइनस करो देखो फाइव माइनस सिक्स डेट इज माइनस आई कैप हो जाएगा ये और ये सेवन माइनस थ्री डैट इज प्लस फोर तो फोर जे कैप थ्री और माइनस टू डैट इज प्लस के कैप हो जाएगा ये हमारा निकला पोजिशन वैक्टर ऑफ बी सी ठीक है सिमिलरली मैं निकाल लेता हूँ पोजिशन वैक्टर ऑफ सी डी वो क्या हो जाएगा देखो पोजिशन फैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन फैक्टर ऑफ सी हो जाएगा अब पोजिशन फैक्टर ऑफ डी हमें मालूम है हमने इसको एज्यूम किया है देखो ऊपर में क्या किया एज्यूम ये देखो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप तो यहाँ पे लिखो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप माइनस पोजिशन फैक्टर ऑफ सी हमें देखो मालूम है ये फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस थ्री के कैप

पोजिशन हमने निकाल लिए, ओके, अब हमें अगर लिएर सॉरी कोप्लेनर प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें को प्लेनर प्रूफ करने के लिए मैं बोलता हूँ कि ए बी बी सी एंड सी डी को अगर मैं अगर सी डी को मैं कोप्लेनर प्रूफ कर देता हूँ ठीक है ये अगर मैं इसको कोप्लेनर प्रूफ कर देता हूँ ये हमारे एक ही प्लेन में लाइक करते हैं कोप्लेनर अगर हो जाएगा इफ मैं लिख देता हूँ इफ ए बी फैक्टर बीसी फैक्टर सी डी फैक्टर हमारा कोप्लेनर प्रूफ हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सो so, मैं बोल सकता हूं ना कि ए बी सी डी आल्सो कोप्लेनर अगर ये हमारा कोप्लेनर हो जाएगा तो ये भी हमारा कोप्लेनर होगा ठीक है ये अपन बोल सकते हैं कि ये जा, ये जो पॉइंट है चारों वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे ठीक है इनसे मिलने वाला जो बनने वाला लाइन है वो अगर कोप्लेनर हो जाएगा तो ये चार पॉइंट भी तो कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई करेंगे ये अपन बोल सकते हैं ठीक है सबसे पहले मैं इसको इसकोर प्ले, प्रूफ करता हूँ ठीक है तो कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा डिटर्मिनाट निकालना होगा डिटर्मिनाट का वैल्यू देखते हैं अगर जीरो की इक्वल आ जाएगा तो कोप्लेनर प्रूफ हो जाएगा ठीक है तो डिटर्मिनाट निकालने के लिए ए बी वैक्टर का आई जे के का कोफिशियंट को निकला होगा फर्स्ट रो में वो क्या है थ्री फाइव माइनस टू लिखो थ्री फाइव माइनस टू बी सी वैक्टर का आई जे के का कोफिशियंट लिखो तो माइनस वन फोर वन माइनस वन फोर वन ठीक है फिर सी डी वैक्टर का माइनस थ्री माइनस फाइव टू माइनस थ्री माइनस फाइव टू ठीक है ये को सॉल्व करो देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा थ्री के बॉर्ड एक्सपेंड करते हैं तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ते हैं फोर इंटू टू डेट इज एट माइनस माइनस फाइव इंटू वन डेट इज माइनस फाइव तो माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव के बॉर्ड एक्सपेंड करो इसके कॉलम इसके रो को छोड़ेंगे तो माइनस वन इंटू टू डेट इज टू सॉरी माइनस टू ठीक है और ये माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू वन डैट इज माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा कॉलम को छोड़ूंगा तो ये माइनस वन इंटू माइनस फाइव डेट इज फाइव माइनस फोर इंटू माइनस थ्री डेट इज माइनस टूल ठीक है तो ये क्या आ गया इसकी वैल्यू देखो आ रही है थ्री अंदर में देखो एट प्लस फाइव डेट इज थर्टीन और ये माइनस फाइव और ये देखो माइनस टू प्लस थ्री डेट इज वन हो जाएगा ठीक है माइनस यहाँ पे देखो टू टाइम्स ये फाइव प्लस लिखा हुआ 5 12, 17. ठीक है? ये मल्टीप्लाई होकर माइनस फाइव और ये क्या आया थर्टी फोर ठीक है तो थर्टी नाइन माइनस ये थर्टी नाइन लिखा हुआ है डेट इज जीरो लिखा हुआ है ठीक है तो इस डिटर्मिनेट की वैल्यू हमारी जीरो आ गई अगर इस डिटर्मिनाट की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सी डी वैक्टर हमारा कोप लेनर है और अगर ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर और सी डी वैक्टर कोप लेनर है तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो पॉइंट है वो कोप लेनर है ठीक है हमें ये प्रूफ करना था कि ए बी सी डी कोप लेनर है ठीक है हमने प्रूफ कर दिया मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसलिए इसलिए ए बी सी डी आर को ठीक है थैंक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर